हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत सुखी होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज से एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपका आज के हमारे इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था हमारे टिश्यूज़ को, ठीक है? हमने पढ़ लिया था डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, और अब हम चर्चा करने वाले थे हमारे बोन के बारे में, ठीक है ना? हमने कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ लिया था, डेंस टिश्यू भी पढ़ लिया था, हमने पूरा कंप्लीट कवर अप कर लिया था। आज हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? हमारी बोन्स यानी कि अस्थि के बारे में। इससे पहले हमने चर्चा करी थी कार्टिलेज के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले हम आज लिखने वाले हैं हमारा टॉपिक जो है अस्थि यानी कि बोन, ठीक है? चलिए, ठीक है बच्चों, अस्थि यानी कि बोन, ठीक है? अब देखिए, जो हमारी बोन का यानी कि अस्थि का जो बाह्य आवरण होता है, यानी कि आउटर जो कंस्ट्रक्शन होता है, या हम कह सकते हैं कि जो लेयर होती है या आवरण होता है, वो किसका होता है, उसे क्या कहते हैं? वो होता है हमारा पेरिओस्टियम, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? अस्थि का बाह्य आवरण, अस्थि का बाह्य आवरण, ठीक है? तो अस्थि का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? अस्थि का बाह्य आवरण कहलाता है हमारा पेरिओस्टियम। क्या कहलाता है बच्चों? अस्थि का बाह्य आवरण, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरिओस्टियम बोलते हैं, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज की हम बात करें, अस्थि का बाह्य आवरण क्या है? पेरिओस्टियम कहला रहा है। यह किससे मिलकर बना है? यह श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक से मिलकर बना है, यानी कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से यह मिलकर बना है, ऊतक से बना है। क्लियर? चलिए, अब अस्थि का बाह्य आवरण पेरिस्टियम कहलाता है, ठीक है? श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक से बना है। अब अस्थि बनाने वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं? जिससे हमारी अस्थि का बन रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? अस्थि बनाने वाली कोशिका कहलाती है हमारी ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है? अस्थि बनाने वाली कोशिका, इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्टियो ब्लास्ट। आई बात समझ में? ठीक है, अब ये जो ऑस्टियो ब्लास्ट है, ये क्या है? वापस से इसमें डिवाइडेशन होता है, ठीक है? जब इसमें डिवाइडेशन होता है, तो ये ऑस्टियोसाइट्स के साथ साथ मैट्रिक्स का कुछ जो कार्बनिक भाग है वह भी ये स्त्रावित करती है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? जो ऑस्टियोब्लास्ट है उसका डिवाइडेशन होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? ऑस्टियोब्लास्ट के डिवाइडेशन पे, के डिवाइडेड होने पर ऑस्टियोसाइट के साथ साथ, ऑस्टियोसाइट के साथ साथ मैट्रिक्स भी, या हम कह सकते हैं मैट्रिक्स का कार्बनिक भाग स्त्रावित करती है, ठीक है? अब जो ये ऑस्टियोब्लास्ट है, ठीक है, ये किसमें डिवाइड हो रही है? डिवाइड होके ऑस्टियोसाइट्स के साथ साथ मैट्रिक्स का कार्बनिक भाग स्त्रावित कर रही है। तो हम क्या कहेंगे? जो कि कोशिका होगी वो कौन सी होगी? अस्थि की कोशिका, वो है हमारी ऑस्टियोसाइट,
ठीक है, अस्थि की कोशिका, अस्थि की कोशिका क्या कहलाएगी? अस्थि की कोशिका कहलाएगी हमारी ऑस्टियोसाइट। आई बात समझ में? चलिए, अब जो अस्थि की कोशिका है उसको हमने ऑस्टियोसाइट कहा, ठीक है। अब इसी में होती है अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिका, उसे हम किस नाम से जानेंगे? उसे हम बोलेंगे ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। एक और पॉइंट, ये अस्थि को बनाने वाली कोशिका को हम कह सकते हैं ऑस्टियोसाइट, ठीक है ना, और अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिका अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिका वो क्या कहलाएगी? वह कहलाएगी ऑस्टियोक्लास्ट। इस पे आपसे सीधे के सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, हमने क्या देखा? अस्थि का जो बाह्य आवरण है उसको हमने क्या बोला? पेरियोस्टियम बोला, है ना। पेरियोस्टियम है ये श्वेत तंतु संयोजी ऊतक यानी कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू का बना हुआ है, ठीक है। अस्थि बनाने वाली कोशिका क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट है। ऑस्टियोब्लास्ट के डिवाइड होने पर ये ऑस्टियोसाइट्स के साथ साथ मैट्रिक्स का कुछ कार्बनिक भाग भी क्या कर रही है? स्त्रावित कर रही है। अस्थि की कोशिका को हमने क्या बोला? ऑस्टियोसाइट बोला। और अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिका को हमने क्या बोला? ऑस्टियोक्लास्ट बोला। आई बात समझ में? चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, जो हमारी अस्थि है यानी कि बोन है, हम कह सकते हैं कि हमारा ये बॉडी का हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है, क्योंकि बोन क्या है? कोलेजन तंतुओं से मिलकर बना हुआ जाल है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? कोलेजन तंतुओं के साथ साथ इसमें कैल्शियम के लवण भी उपस्थित होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? ये इसको मजबूती प्रदान करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि बोन के अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों जो मटेरियल है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बोन है वो ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो अगली बात हम चर्चा करेंगे इसके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक साल्ट्स की या ऑर्गेनिक मटेरियल्स की, ठीक है। तो देखिए, अस्थि मूलतः कार्बनिक व अकार्बनिक, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी है, ठीक है। हार्डेस्ट मटेरियल है। अब सबसे पहले हम बात करें किसकी? इनऑर्गेनिक साल्ट की, ठीक है। तो हम यहां क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल की, ठीक है। इनऑर्गेनिक मटेरियल से हमारा क्या मीन है? इनऑर्गेनिक मटेरियल से हमारा ये मीन है कि जो कैल्शियम फॉस्फेट है, इनऑर्गेनिक मटेरियल हम कह सकते हैं कि 62 से 65% जो है वो बोन का पार्ट बनाता है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? 62 से, हम इसको यहां मेंशन कर लेते हैं, ये हमारा बनाता है अराउंड 62 से लेके 65% तक का पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम चर्चा करें जो कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है, ये क्या होता है? यह हमारी बोन का पार्ट होता है, ठीक है, बोन में प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ इसमें जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है ये कितना परसेंट होता है? ये होता है 10%। साथ ही साथ जो आपका मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है वो कितना होता है? वह भी होता है इसके अंदर 10%। और इसमें होता है आपका अलग से, जिसे हम बोलते हैं
फ्लोराइड पार्ट, ठीक है, फ्लोराइड साल्ट, ये भी कितना होता है 10%। हम बात करें इनऑर्गेनिक मटेरियल की, ठीक है। अब इसी में अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मटेरियल की तो वो कितना होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि ये तो क्या है, अकार्बनिक है और ये कार्बनिक है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो इसे क्या होगा, इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के जो मटेरियल है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल जो था इसे हम ओसियन के नाम से जानते हैं। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, इसे हम ओसियन के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। ये जो आपका पार्ट बनाएगा ये अराउंड होगा आपका 32 से लेके 35% तक का पार्ट, और ये बनाएगा आपका 62-65% तक का पार्ट, ठीक है। अब इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि जो ओशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि सल्फर के साथ म्यूकोपॉलीसेकेराइड उपस्थित होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ आपको विजिबल है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम यहीं इसको एड ऑन कर देते हैं कि यहां सल्फर के साथ आपका म्यूकोपॉलीसेकेराइड उपस्थित होता है। आई बात समझ में, हमने किसकी बात करी, हमने अस्थि के बारे में चर्चा करी, ठीक है। अस्थि का जो बाह्य आवरण है उसको हमने पेरिओस्टियम कह दिया, ठीक है। यह श्वेत तंतु योजी तक का बना हुआ है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू का। अस्थि बनाने वाली कोशिका को हमने ऑस्टियोब्लास्ट बोला। ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है इसका डिवाइडेशन होता है, क्यों, क्योंकि ये जो ये किससे मिलकर बनी होती है, ये फाइब्रोब्लास्ट के ही रूपांतरण से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो कोशिका है यह, यहाँ पे हम पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ पे यह फाइब्रोब्लास्ट के रूपांतरण से बनती है, के रूपांतरण से बनती है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट डिवाइड हुई किसमें, ऑस्टियोसाइट्स में, साथ में मैट्रिक्स को यानी कुछ कार्बनिक भाग भी रिलीज कर रही है। अस्थि की कोशिकाओं को हमने क्या बोला, ऑस्टियोसाइट्स, क्योंकि मेन कौन को बनाना ही है, ऑस्टियोसाइट ही जो है वो अस्थि को बनाएगी, ठीक है। अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिका होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्टियोक्लास्ट बोलेंगे। क्योंकि क्या होता है, जो हमारी बोन्स है हम कहते हैं कि हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। हार्डेस्ट स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम लवण उपस्थित है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि हार्डेस्ट स्ट्रक्चर यूं है कि इसमें यानी कि बोन में हम लिखते हैं बोन अर्थात अस्थि, ठीक है ना। अस्थि में कोलेजन तंतु, कोलेजन तंतु व कैल्शियम लवण उपस्थित होने के कारण, उपस्थित होने के कारण ये क्या होती है, हार्डेस्ट है और हमारे शरीर को क्या कर रही है, एक तरह से बेस प्रोवाइड करवा रही है। क्यों, क्योंकि क्या है, बोन क्या है, एक हार्डेस्ट मटेरियल है, बहुत मजबूत चीज होती है, ठीक है। तो यहां इस चीज को हम लिख सकते हैं, तो उपस्थित होने के कारण क्या है, इसमें कैल्शियम लवण है और साथ में इसमें कोलेजन तंतु उपस्थित होते हैं। तो यहां हमने कंप्लीट समझ लिया कार्बनिक और कार्बनिक को, इनऑर्गेनिक मटेरियल 60-65% इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना, और ऑर्गेनिक मटेरियल जो है 32-35 इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे हमारी स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन के बारे में, तब तक आप इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए। हाँ तो बच्चों, आपने यहाँ तक ये नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन के बारे में। तो मैं इसको रब कर सकता हूँ, चलिए। तो नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन के बारे में। को क्लीन कर लेते हैं पूरा, चलिए।
नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन बोन के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी कि हमारे शरीर की हड्डी का सबसे बड़ा भाग या लंबा भाग जिस पे क्या होता है अत्यधिक भार जो है हमारा शरीर का रहता है, ठीक है, तो वो कौन सी बोन होगी? वो होगी हमारी थाई बोन। जो हमारी ये थाई की बोन होती है, ये थाई की बोन क्या होती है, एक तो लंबी होती है, इसका लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये बहुत मजबूत होती है, क्योंकि क्या है हमारी बॉडी का जो वेट है वो पूरा कहाँ आता है, थाई पे भी आता है और अदर बोन्स पे भी आता है, लेकिन जो थाई बोन है वो कैसा है, एक तरह का लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो थाई बोन है यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लॉन्ग बोन है वह भी क्या है कि तीन तरह से जो है डिवाइडेड होती है या बटी हुई होती है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा एपिफाइसिस, एक होता है हमारा डायफाइसिस और एक होता है हमारी बॉडी का मेटाफाइसिस। तो जो हमारी जो लॉन्ग बोन स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं ये तीन भागों में डिवाइड होती है, एपिफाइसिस में, डायफाइसिस में और मेटाफाइसिस में। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए पॉइंट टू पॉइंट हम इसको अब लिख लेते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसके स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन की। सबसे पहली बात, यह हमारे शरीर की सबसे मजबूत बोन होती है, सबसे मजबूत हम कहते हैं अस्थि होती है, आई बात समझ में, ठीक है। और क्या होता है, यह संरचना में लंबी होती है, किस तरह की है, संरचना में लंबी है, इसीलिए हमने इसे क्या कहा, लॉन्ग बोन कहा, ठीक है। और यह मूलतः तीन प्रकार से विभाजित होती है या उपस्थित होती है, हम दोनों चीज लिख सकते हैं, विभाजित होती है या उपस्थित होती है, ठीक है। तो वो तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूलतः तीन प्रकारों के बारे में लिखेंगे कि कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। तो बोन डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स, ठीक है ना। तो हम यहां लिख देते हैं बोन डिवाइडेड इन थ्री टाइप, ठीक है। फर्स्ट इज एपिफाइसिस, ठीक। सेकंड है हमारा डायफाइसिस, ठीक है, और थर्ड है हमारा मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस, ठीक है। तो मेनली क्या होगी, ये तीन टाइप से डिवाइड होगी, एपिफाइसिस, डायफाइसिस और मेटाफाइसिस, ठीक है बच्चों। अब हम चर्चा करेंगे किसकी, इसके स्ट्रक्चर की, है ना। तो इसके स्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, आइए हम चर्चा करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये है हमारा क्या, लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख देंगे, ये है हमारा लॉन्ग बोन स्ट्रक्चर, ठीक है, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, लंबी अस्थि, लंबी अस्थि, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको ये लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये जो लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है
ये ऊपर वाला पार्ट और इसका नीचे वाला पार्ट, यानी कि ऊपर का जो सिरा है और जो एंड वाला सिरा है, अंतिम छोर है, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? ये दोनों जो हिस्से हैं इसको हम बोलते हैं ऊपर वाले हिस्से को एपिफाइसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं एपिफाइसिस। एपिफाइसिस, ठीक है। और जो आपको इसका अंतिम छोर नजर आ रहा है, ये इसे भी हम क्या बोलेंगे? इसे भी हम बोलेंगे एपिफाइसिस। ठीक है, ऊपर का छोर और अंत का, यानी कि दोनों ऊपर का और अंत के छोर को हम बोलेंगे एपिफाइसिस। ठीक है, अब इनका जो आपको ये मिड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो मध्य वाला पार्ट ऊपर की तरफ और यहां पे ये नीचे की तरफ, ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों कहलाएंगे आपके मेटाफाइसिस। ठीक है ना, क्या कहलाएंगे बच्चों? ये आपके कहलाएंगे मेटाफाइसिस। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ऐसे ही आपका ये जो वाला पार्ट है, ये क्या कहलाएगा? ये भी आपका कहलाएगा मेटाफाइसिस। ठीक है, और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट और यहां से ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा? ये कंप्लीट पार्ट आपका कहलाएगा डायाफाइसिस। क्या कहलाएगा बच्चों? ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका डायाफाइसिस। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये एक तरह का बीच का पार्ट है, स्ट्रक्चर है जो लॉन्ग बोन के बीच का बना रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम शाफ्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसे? एक तरह की लॉन्ग शाफ्ट की तरह ये प्रेजेंट है। ठीक है, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट एपिफाइसिस, और दोनों के जो मध्य बीच का पार्ट है, मिडिल पार्ट है, इसको हमने क्या बोला? मेटाफाइसिस। और नीचे से भी यहां पे क्या है? मेटाफाइसिस है। ठीक है, और जो बीच में स्ट्रक्चर एक जो लॉन्ग है, लॉन्ग बोन है, उसे हमने क्या कहा? डायफाइसिस कहा या शाफ्ट कहा। आई बात समझ में? अब देखिए, ये जो आपको ऊपर का एपिफाइसिस इससे नजर आ रहा है, ये क्या है? एक तरह का हम कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है, इसके अंदर आपको स्पॉन्जी टिश्यू दिखने को मिलेंगे, मतलब कि स्पॉन्जस टाइप, यानी कि बोन क्या है, होने को तो बोन एक हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें हमें क्या है, ये जो आपको इसमें कुछ इस तरह से उभार नजर आ रही है, राउंड राउंड स्पॉन्जी टाइप। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है? ये बिल्कुल स्पॉन्जी की तरह होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कैसा है, स्पॉन्जी की तरह है। ठीक है ना, तो इसमें स्पॉन्जी होने के साथ साथ हम लिख सकते हैं यहाँ पे, स्पॉन्जी के साथ साथ इसमें क्या होता है, जो रेड बोन मेरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा जिसे हम कहते हैं, वो इसमें भरी हुई होती है ना, स्पॉन्जी विद फिल, रेड बोन मेरो। ठीक है, आई बात समझ में? यहां पे रेड बोन मेरो फिल है। ठीक, अब देखिए, अब आप देखेंगे इसके अंदर ये कैसी है, ये जो आपको बोन दिखाई दे रही है वो किस तरह की है? इस तरह की जो बोन है इसको हम बोलेंगे एक तरह से, ये है हमारी कॉम्पैक्ट बोन। क्या बोलेंगे इसको हम? कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, और इसका जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये जो इसका बाहर वाला हिस्सा है, यानी कि आउटर कवरिंग, जो बोन की हमने बाह्य आवरण की हमने चर्चा करी थी अभी, वो क्या है? वो है पेरिओस्टियम। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हिस्सा है हमारा पेरिओस्टियम का। आई बात समझ में? ठीक है, और ये जो भीतर का हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम अंदर का पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोस्टियम बोलेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह का जो पार्ट है क्या कहलाएगा? ये बोलेगा एंडोशियम। ठीक है, ये इंटरनल पार्ट क्या कहला रहा है? ये पार्ट कहला रहा है हमारा एंडो सीएम। ठीक है, आउटर पार्ट को हमने पेरिओस्टियम बोला और इनर पार्ट को हमने एंडोसियम बोला। ठीक है, अब देखिए, इसके बीच के अंदर जो आपको ये पूरा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कैसा है? एक तरह से कहते हैं कि ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है,
हार्ड स्ट्रक्चर, इसको हमने क्या बोला, इस स्ट्रक्चर को हमने बोला है कॉम्पैक्ट बोन। आई आपको बात समझ में? ठीक है, अब देखिए जो पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम है इसके बीच में आपको कैसा क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो फील्ड भरा हुआ है ये फील्ड कौन सा है? एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो फील्ड है इसको हम बोलेंगे, ये जो हिस्सा है ये होगा हमारा येलो बोन मैरो। ठीक है, इसमें क्या होगा, येलो बोन मैरो प्रेजेंट है, जैसे यहां पर रेड बोन मैरो प्रेजेंट है वैसे यहां पर क्या होता है, इन दोनों के मध्य में येलो बोन मैरो प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीत अस्थि मज्जा के नाम से हम जानते हैं, और रेड बोन मैरो को हम बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, जो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो क्या कर रही हैं, जो ये लॉन्ग कंप्लीट है पूरी जो बोन दिखाई दे रही है आपको, हार्ड स्ट्रक्चर है, ये क्या होगा शिफ्ट ऊपर से, यानी कि हम कहेंगे कि ये बाई डायरेक्शनल वे के अंदर ये अपनी ग्रोथ को करता है, जो कार्टिलेज था वो यूनिडायरेक्ट डायरेक्शनल वे में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ भी ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ भी ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट है और यहाँ भी ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट है, तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो प्रेजेंट होने की वजह से इसमें क्या है कि ये बाई डायरेक्शनल, यानी कि ऊपर से भी ये लंबा होगा और ये अंदर से भी अपनी ग्रोथ को करेगा, तो यानी कि जो बोन होती है ये बिल्कुल बाय डायरेक्शनल वे के अंदर इस तरह से और इस तरह से ये कंप्लीट क्या करती है, वृद्धि करती है, यानी कि ग्रोथ करती है। ठीक है, तो इसी वजह, इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो कोशिका प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोला था, ऑस्टियोसाइट बोला था। ठीक है, तो यहाँ ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि ऑस्टियोसाइट जो सेल्स हैं वो मिलकर क्या बना रही हैं, इस बोन की ग्रोथ के अंदर इसको हेल्प कर रही हैं। ठीक है, और ये जो रेड बोन मैरो है जिसे हमने लाल अस्थि मज्जा कहा, इसका उत्पादन कहाँ होता है, इसका उत्पादन जो होता है वो यही हमारी बोन के अंदर ही होता है। ठीक है, यानी कि जो आरबीसी है, एक तरह से हम कह सकते हैं प्लेटलेट्स हैं, उनका उत्पादन कहाँ हो रहा है, उनका उत्पादन यहीं पर होता है। ठीक है, तो कंप्लीटली हमने स्ट्रक्चर समझा इस चीज़ को, अब हम एक एक बात करेंगे किसकी, इसके पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, तब तक आप इस डायग्राम को नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आपने यहाँ डायग्राम को देख लिया, अब हम एक एक करके इसके एक एक पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आइए सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हमारे फर्स्ट पार्ट की, जो है हमारा एपिफाइसिस। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, एपिफाइसिस की। देखिए एपिफाइसिस में हमने क्या देखा, एपिफाइसिस क्या है, एपिफाइसिस ऊपर का एक पार्ट है, यानी कि ऊपर का स्वतंत्र सिरा है। ठीक है, और नीचे का स्वतंत्र सिरा है, यानी कि एंड भाग, तो हम लिख सकते हैं इसमें ऊपरी स्थित भाग व निचला अंतिम भाग एपिफाइसिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये किसका बना है, स्पॉन्जी बोन्स है। ठीक है ना, यानी कि स्पंजी का बना हुआ है, तो हम कहते हैं कि कैसा है ये, यह स्पंजी होता है तथा इसमें क्या है, इसमें लाल अस्थि मज्जा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो भरी हुई होती है। ठीक है, इसमें अंदर ट्यूबरक्यूलेई होती है, या जिसे हम क्या कहते हैं, गुहा कहते हैं, गुहा जैसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम, ये आपको विजिबल है यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कि हम कहते हैं कि इसमें हीमोपोइटिक्स भी हमें देखने को मिलता है, किसके हीमोपोइटिक की बात करते हैं, तो इसमें
हिमो हिमो पोएटिक्स उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। हिमोपोएटिक्स उपस्थित होते हैं, या हम कहते हैं कि हिमोपोएटिक की वजह से क्या होता है कि इसमें जो है वो रेड बोन हमारे आरबीसी का और प्लेटलेट्स का क्या होता है इसमें बनती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा एपिफाइसिस के बारे में, ठीक है। अगली हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, अगली हम बात करेंगे हमारी डायफाइसिस के बारे में। इससे पहले, बात करने से पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी एपिफाइसिस है और डायफाइसिस है इसके बीच में एक प्लेट प्रेजेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं, एपिफाइजियल प्लेट बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ इस जगह हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि हम इसे नोट डाउन करते हैं, यहाँ पे इस तरह से कुछ, यहाँ पे एपिफाइजियल प्लेट, एपिफाइजियल प्लेट प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। जो क्या करती है एपिफाइजियल प्लेट जो है, इसमें क्या होते हैं ऑस्टियोसाइट्स जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती है इसके देगीकरण के अंदर, यानी कि इसको बढ़ाने में, इसकी ग्रोथ में हेल्प करती हैं, ठीक है। इसी तरह से चलिए, तो नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे अगले हम बात कर लेते हैं डायफाइसिस के बारे में, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे डायफाइसिस, ठीक है। अब देखिए डायफाइसिस में क्या हो रहा है, डायफाइसिस कौन सा भाग है, एक लंबी शाफ्ट वाला पार्ट है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम के अंदर कि डायफाइसिस क्या है, एक लंबी शाफ्ट वाला पार्ट है, ठीक है ना। और लंबे शाफ्ट होने की वजह से क्या है कि इसको हमने क्या बोला, कॉम्पैक्ट बोन बोला, ठीक है। और इसी के अंदर क्या फिल है, येलो बोन मेरो प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, जो इसकी जो कैविटी है इसको कंप्लीटली हम क्या बोल सकते हैं, इस कैविटी को हम बोल सकते हैं यहाँ पे मैरो कैविटी, मैरो कैविटी। आई बात समझ में, हम पॉइंट टू पॉइंट इसको अब नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यह डायफाइसिस मध्य का भाग है जो कि एक तरह की क्या है, कॉम्पैक्ट बोन है, ठीक है। साथ ही साथ कॉम्पैक्ट बोन है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, जो मैरो कैविटी है, यहां पे आपको जो मैरो कैविटी दिखा रही है, इस मैरो कैविटी में क्या प्रेजेंट है, इसमें मैरो कैविटी है, उस मैरो कैविटी में क्या भरा हुआ है, इस मैरो कैविटी में भरा हुआ है पीत मज्जा, अस्थि हम कहेंगे, या फिर हम क्या बोलेंगे, इसमें इसमें भरा हुआ है हमारा येलो बोन मेरो। आई बात समझ में, ये हमने पढ़ लिया डायफाइसिस के बारे में, ठीक है। अगली हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों मेटाफाइसिस के बारे में, ठीक है। तो मैं इसको, आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रब कर सकता हूँ, चलिए आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है बच्चों। डायफाइसिस में आपने देख लिया, इसका एक स्पेशल पॉइंट और है कि इसका जो प्रतिस्थापन है वो क्या होता है, कभी काम आने पर रेड बोन मैरो में हो जाता है, रेड बोन मैरो में हो जाता है, क्योंकि इसका मेन कार्य क्या है, इसमें क्या है, इसमें वसा का संग्रहण भी होता है, क्योंकि इसमें वसा का संग्रहण होता है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे थर्ड, यानी कि मेटाफाइसिस, तो हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। थर्ड हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, मेटाफाइसिस। अब देखिए मेटाफाइसिस क्या है, यहां पे एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच का पार्ट है, हैं? तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे,
एपिफाइसिस व डायफाइसिस के मध्य का भाग क्या कहला रहा है? हमारा मेटाफाइसिस कहला रहा है, ठीक है। और इसी मेटाफाइसिस यानी कि एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में क्या है, एक एपिफाइसल प्लेट उपस्थित है। यह एपिफाइसल प्लेट क्या है, इसमें दीर्घीकरण में सहायता करती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जो ऑस्टियोसाइट्स कोशिकाएं हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या ले सकते हैं, इसमें एपिफाइसियल प्लेट उपस्थित होती है। जिसमें ऑस्टियोसाइट्स सेल्स हैं जो कि अस्थि के दीर्घीकरण यानी कि बोन के ग्रोथ को, अस्थि के दीर्घीकरण में सहायता करती है। ठीक है, अस्थि के दीर्घीकरण में सहायता कर रही है, ठीक है, कंप्लीट। और इसकी जो आउटर कवरिंग है इसको हमने क्या बोला, बाह्य आवरण इसका क्या है, बाह्य आवरण इसका पेरिओस्टियम है, ठीक है। और एंडो ऑस्टियम जो क्या है, इसका आंतरिक आवरण है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, कंप्लीट लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर पढ़ लिया और उसके तीनों प्रकार यानी कि एपिफाइसिस, डायफाइसिस और मेटाफाइसिस के बारे में हमने चर्चा कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा अगली क्लास के अंदर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, कि जो बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है, उसमें किस तरह के जो है आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। यानी कि बोन क्या है, बोन तो देखिए एक हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, उसके अंदर जो जो प्रेजेंट है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। लेकिन इंटरनली क्या होता है कि इनके अंदर हम कहते हैं कि कुछ डॉटेड टाइप कह सकते हैं हम, या इसके कहते हैं कि इनके इंटरनल में भी कुछ कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।